हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा भिवानी बोर्ड की तरफ से जो ओपन बोर्ड से 10वीं और 12वीं के फार्म भरे जा रहे हैं वो किस तरह से भरने हैं। पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में देख पाएंगे। सबसे पहले आप HBSC की ऑफिशियल जो साइट है वो ओपन कर लेंगे। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई कहाँ पर होना है वो वाला लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहें नौकरी और एडमिशन्स के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस भिवानी बोर्ड की साइट पर आया हुआ है कि आप 10वीं और 12वीं के जो मार्च 2022 में एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किस तरह से करना है वो यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है। रिपेयर वगैरह के भी फॉर्म शुरू हो गए हैं, और फ्रेश यानी कि इस पूरे पेपर देकर आपको 10th और +2 अगर करनी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 अक्टूबर 2021 है। फ्रेश एंड जो CTP यानी कि रेगुलर से ऊपर ओपन में आने वाले कैंडिडेट की जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये का चलान है, और प्लस अगर आपके कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 100 रुपये उसका चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर हम लिंक ओपन कर लिया हमने ओपन फ्रेश के लिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। 10वीं और 12वीं के दो ऑप्शन हैं, आपको 10वीं करनी है या 12वीं, उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। पूरे पेपर आपको देने पड़ेंगे, 5 पेपर जो मैंडेटरी होते हैं, प्लस आपको एक और एडिशनल पेपर यानी कि फिज़िकल हो, होम साइंस हो, या कोई भी और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन का। तो इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है बर्थ सर्टिफिकेट में, या फिर आपकी जो भी रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सही होनी चाहिए क्योंकि 10वीं की DMC वाली डेट ऑफ बर्थ ही आगे सभी जगह चलेगी आपकी, तो आपको गलत नहीं डालनी है, इसलिए मैंने 10वीं का फॉर्म स्टार्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर कई ऑप्शन है आपके पास, SLC, बर्थ सर्टिफिकेट, मिडिल पास या मैट्रिक फेल। तो इनमें से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, लास्ट आप कोई भी एक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो इनमें से आपको चूज़ कर लेना, और फिर अगर आप मैट्रिक फेल का यहाँ पर डाल रहे हैं तो उसका रोल नंबर एंटर करना है, और इशू अथॉरिटी अगर आप SLC डाल रहे हैं तो स्कूल का नाम आएगा, नहीं तो आप अगर मैट्रिक फेल पे भर रहे हैं तो आपका HBSC यानी कि जिस भी बोर्ड से आपने पास की है या फेलियर का आपका सर्टिफिकेट है वो आप बोर्ड का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू लिखनी है, यानी कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी भी इशू डेट होती है, वो भी आप एंटर कर देंगे, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो करिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। मैं अपनी जो डिटेल है वो फिल आउट कर देता हूँ। इसी तरह से आप नाम, फादर नेम, फिर मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ डालकर कंप्लीट कर देंगे प्रोसेस को। तो सिंपल सा ये फॉर्म है, आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम सभी तरह के फॉर्म यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप सारे फॉर्म यहाँ पर हमारे चैनल में देख कर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी SC BC जनरल जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपका एरिया यानी कि कहाँ पर आप रूरल हो या अर्बन हो वो आप फिल आउट कर देंगे। फिर आपकी जो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं वो सिलेक्ट करना आपको। फिर हैंडीकैप्ट का ऑप्शन है, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं वो यहाँ पर अगर यस करना चाहते हैं तो यस कर लेंगे अपनी कैटेगरी पर, नहीं तो फिर आप नॉन कर देंगे, और इंडियन जो है वो आपको नेशनलिटी भरनी है। उसके बाद आपको कंप्लीट एड्रेस, आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस कंप्लीट आपको डालना है, पिन कोड डालना है, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर कर देनी है। टेलीफोन नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम एज इट कर देंगे, और फिर आपको एक बार सबमिट करने से पहले ये जो डाटा है वो अच्छी तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि 10वीं वाले DMC पे जितना भी डाटा होता है वही आपका आगे वैलिड होता है। कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी में आराम से अपना डाटा चेक कर लेना है, फिर ही आपको सबमिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आपको फ़ोटो
साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज़, कलर फ़ोटो, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी फ़ोटो चलेगा। लेकिन आपको मोबाइल से सेल्फी लेकर यहाँ पर नहीं डालना है, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज़ 50 KB से 80 KB हो, और फ़ोटो के नीचे डेट लिखी हुई होनी चाहिए दोस्तों, वो ज़रूरी है। फ़ोटो के नीचे डेट लिखनी है आपको। मैंने यहाँ पर फॉर्म में जो अपलोड किया है वो सिंपल फ़ोटो है, आपको नीचे डेट लिखवानी है। जो भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाएंगे तो उस समय आप उसके नीचे डेट ज़रूर लिखिए। यहाँ पर इस तरह से आपको क्रॉप कर लेनी है अपनी फ़ोटो, और नीचे डेट लिखी हुई होनी चाहिए, मैंडेटरी है। ये फॉर्म मैंने सिर्फ सैंपल के लिए आपको भर के दिखाया है, तो नीचे डेट लिखी हुई होनी चाहिए तो ही आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। इसका जो साइज़ है वो 50 KB से 80 KB के बीच में रहेगा, तो आपकी ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। साथ ही आपको इस तरह से अपना साइन क्रॉप कर लेना है, ब्लैक या ब्लू पेन से आप साइन कर सकते हैं। वाइट पेज पे, लाइनिंग वाले पेज पे अपलोड मत करिए, लाइनिंग वाले पेज वाला साइन जो है वो नहीं चलेगा आपका। साफ़ और फ़ोटो भी साफ़ होनी चाहिए और जो साइन है वो भी साफ़ होना चाहिए। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप 10th कर रहे हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, SLC या फिर 8वीं 9वीं का सर्टिफिकेट, या फिर आप मैट्रिक फेल का अपलोड कर सकते हैं। अगर आप +2 कर रहे हैं तो आपको 10th की DMC अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसका जो साइज़ है वो आपको 200 KB से नीचे करना है, तो कंप्रेसर की मदद से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। गूगल पे आप लिख कर सर्च कर सकते हैं JPG फाइल कंप्रेस, तो वो आपका जो कंप्रेस है वो ऑनलाइन आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आपकी फ़ोटो आप पहले अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पर अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है आपको, और फिर आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है और अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपका 10th की DMC वो आप अपलोड कर देंगे। फिर लास्ट में आपको अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड या फिर और कोई आईडी प्रूफ आपका आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आपको आधार कार्ड दोनों साइड से स्कैन कर लेना है और वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं ये फॉर्म सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरी मिस्टेक्स को ध्यान में मत रखिए। आप अपने जो फॉर्म है उसको अच्छी तरह से भर लेंगे। आपको दोनों साइड से आधार कार्ड स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट का। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये मैंडेटरी होते हैं 10th में, और उसके बाद आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है वो फिल आउट करना है। इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपना फिल आउट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो आपका जो 6 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, फिर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर आएँ वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको करनी है पेमेंट। तो पेमेंट किस तरह से करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका ये डाटा आप वेरीफाई कर लेंगे और फिर यहाँ पर ये कैप्चा कोड अपलोड करके आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको पूरी बातें समझ आई है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर हमारे से ऑनलाइन फॉर्म ये भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे, तो हम आपका फॉर्म ऑनलाइन भर के आपके पास PDF भेज देंगे। तो ये पेमेंट जब आप कटवा देंगे तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो स्लिप है वो यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और फिर आपको दोबारा से लॉगिन साइट पे बैक जाकर वहाँ पर दोबारा से लॉगिन करना और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है। 2 कॉपी आप प्रिंट करेंगे, 1 कॉपी अपने पास रखनी है, और जो दूसरी कॉपी होगी उसके साथ अपनी जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट था और आधार कार्ड ये लगाकर, और साथ ही वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक फ़ोटो लगाकर और साइन करके आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो बाय स्पीड पोस्ट भियानी बोर्ड के एड्रेस पर भेजने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे की जानकारी के लिए और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। थैंक यू।